बदायूं से हूँ। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम सुझाव पेटी या सजेशन बॉक्स है। मैंने अपने नवाचार को इसलिए लागू किया क्योंकि कक्षा शिक्षण के दौरान मैंने यह पाया कि कुछ छात्र बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं, वह अपनी बात शिक्षक तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए मैंने इस सुझाव पेटी का निर्माण किया। इस सुझाव पेटी के क्रियान्वयन के लिए मैंने खाली गत्ते के बॉक्स लिए, रंगीन कागज़ लिए और रंगीन पेन लिए। इनके माध्यम से मैंने उस गत्ते के बॉक्स को अच्छे से सजावट की ताकि वह बच्चों को देखने में आकर्षक लगे। सुझाव पेटी के निर्माण के बाद अब बारी आती है इसके कहाँ लगाना है। तो मैंने ऐसे स्थान का चुनाव किया जहाँ छात्र को ऐसा ना लगे कि शिक्षक उन्हें देख रहे हैं। अगर वो अपने कोई सुझाव डालते हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि शिक्षक उन्हें देख रहे हैं। तो मैंने विद्यालय में ऐसे स्थान का चुनाव किया और उसे सुझाव पेटी को लगाया। इस सुझाव पेटी के दो चरण हैं। पहला चरण है छात्रों के लिए, दूसरा चरण है अभिभावक के लिए। पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में छात्र अपने सुझाव या शिकायत जो भी उन्हें विद्यालय से संबंधित होती है वह सुझाव पेटी में डाल सकते हैं। वह चाहे तो अपना नाम डाल सकते हैं, चाहे तो नाम ना डालें। दूसरा चरण है अभिभावक के लिए। अगर अभिभावक को विद्यालय से संबंधित कोई भी सुझाव देनी है, कोई भी शिकायत है, तो वे सुझाव पेटी में डाल सकते हैं। हम प्रत्येक शनिवार को इस सुझाव पेटी में जो भी सुझाव या शिकायत आती है हम उनको खोल कर देखते हैं और कोई सुझाव अच्छा लगता है तो उसे लागू करते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो हम उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं इस नवाचार को तकरीबन 2 साल से अपने विद्यालय में लागू किए हुए हूँ और मुझे इससे कई लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला लाभ यह है कि इससे शिक्षक और छात्र के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार का विकास हुआ है। दूसरा, अभिभावक से जब सुझाव देते हैं तो उसकी वजह से सामुदायिक सहभागिता बढ़ी है और इससे बच्चों में अगर देखा जाए तो रचनात्मकता का विकास हुआ है, क्योंकि बच्चे हमें अच्छा जो सुझाव देते हैं इससे उनकी क्रिएटिविटी का भी विकास हुआ है। मुझे आशा है कि श्री एवं अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया है जिससे हम अपने नवाचार को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि अगर हम ऐसे ही कार्य करते रहें तो हम शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप इसी प्रकार के नवाचार को और अधिक जानने के लिए ZII के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी नवाचार अच्छा लगता है तो अपने विद्यालय में अप्लाई करें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम गण्यमान द्वारा शिक्षा है। मैंने नवाचार इसलिए किया कि मेरे विद्यालय में कई तरह की समस्याएं थी। हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 226 है। क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण कभी कभी बच्चों में
उपस्थिति कम दिखाई पड़ने लगती थी। हमने बच्चों से पूछा कि कभी कभी विद्यालय आने में बच्चों की कमी दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? बच्चों ने इस बात अपने माता पिता के ऊपर सौंपा कि सर, हमारे माता पिता कभी विद्यालय आने में किसी कार्य करने के लिए रोक देते हैं। हमने उनके अभिभावक माता पिता से इस बात को पूछा, उन्होंने कहा कि सर, बात बच्चे जो कह रहे हैं सही है, परिस्थिति के कारण बच्चों को मैं रोक देता हूँ। हमने कहा, ये बताइए, अगर बच्चों में शिक्षा होगा तो उनका मुख्य काम उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा है, साथ ही अगर आप वंचित करेंगे तो उनका मुख्य जो उद्देश्य है उससे वह वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि बच्चों को विद्यालय तक कम से कम छोड़ने का काम करें। धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी होने लगी, साथ ही पढ़ाई या खेल के समय में बच्चों को हमने कंपटीशन के माध्यम से पुरस्कार के रूप में एक कलम देने का काम करते थे। बच्चे उत्साहित होने लगे और संख्या बढ़ने लगी। हमने कहा कि जो यह पुरस्कार अरबिंदो सोसाइटी द्वारा हमें राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, हो सकता है कि कल आपको भी यह पुरस्कार मिले, क्योंकि आप देश के कल का भविष्य हैं। आप अपने मुख्य बिंदु से न भटके, क्योंकि आपका मुख्य जो कार्य है शिक्षा, माता पिता के रोकने के बावजूद भी अपनी शिक्षा से वंचित न हो, विद्यालय आने के लिए आप जो भी माता पिता आपको रोकते हैं आप विद्यालय में आकर उनको जनाने का काम करें। बच्चों ने इस बात से अवगत और संख्या बढ़ने लगी और अभिभावक भी खुश हुए। नमस्कार। नमस्कार, मैं चंद्रनाथ गुप्ता, सहायक शिक्षक मोहन शाह आदर्श माध्यमिक विद्यालय बरियाही, अंचल कहरा, जिला सहरसा, राज्य बिहार में कार्यरत हूँ। दिनांक 4 जुलाई 2005 को मैंने विद्यालय में योगदान किया। विद्यालय में योगदान देने के बाद ससमय में विद्यालय कार्य पूरी निष्ठा से करने लगा। विद्यालय ठीक 9 बजे जाकर मैं नियमित सफाई, चेतना सत्र, प्रार्थना और संविधान की प्रस्तावना के बाद वर्ग कार्य में पूरी निष्ठा से कर्तव्य पालन करने लगा। मेरा नवाचार है सामुदायिक सहभागिता। 9 बजे सुबह से 4 बजे तक विद्यालय कार्य करने के उपरांत 4 बजे के बाद मैं अभिभावकों से भी मिलने लगा। विद्यालय में मेरे योगदान के पश्चात बच्चे कम आते थे, मैं अभिभावकों से मिलकर बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाया। मैंने बहुत सारे बच्चों को विद्यालय से जोड़ा। मेरी सोच रहती है कि प्रत्येक घंटी में वर्ग में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषयों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूँ। व्यक्तित्व निर्माण में समुदाय की एक खास भूमिका होती है। यह प्रमाणित सत्य है कि यदि शिक्षा समुदाय का स्वरूप निर्धारित करती है तो
समुदाय बेहतर शिक्षा का वातावरण तैयार करता है। जागरूक समुदाय शिक्षा के प्रति सकारात्मक तथा सहयोगात्मक रुख अपनाता है। विद्यालय समस्याओं के निवारण में भी समुदाय का सहयोग रचनात्मक परिणाम देता है। विद्यालय में नामांकन दर, घटती उपस्थिति दर, अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, शिक्षा गुणवत्ता में आती गिरावट आदि समस्याओं के समाधान के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। इस नवाचार से लाभ। नंबर एक, अभिभावकों और शिक्षकों में परस्पर सहयोग की भावना का सृजन। नंबर दो, छात्रों के कक्षा कार्य, विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी अभिभावकों को प्रतिदिन मिलना। नंबर तीन, विद्यालय के भीतर और बाहर सकारात्मक परिवर्तन का निर्माण। नंबर चार, विद्यालय में नामांकन दर, कक्षा उपस्थिति में सुधार और छात्रों का ठहराव संभव। नंबर पाँच, छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि तथा एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और संपूर्ण शिक्षक समुदाय को इस अद्भुत पहल के लिए ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि इस पुस्तिका में चयनित नवाचार अपने विद्यालय में लागू कर शिक्षक इस प्रयास को सफल करेंगे। जय अरविंदो सोसाइटी, जय शिक्षक गण, जय शिक्षा। सीमा कुमारी, मध्य विद्यालय शाहपुर, जिला भागलपुर, बिहार से हूँ। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, ये शब्द बिल्कुल नया था हम लोगों के लिए और इसकी अहमियत हमें तब पता चली जब श्री अरविंदो सोसाइटी और SDFC के सहयोग से हमें ZIIEI की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह बात पता चली कि किस प्रकार एक शिक्षक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का सही प्रयोग कर उसे नवाचार के रूप में विकसित कर सकता है और उन्हें बच्चों के ऊपर प्रयोग करके बच्चों के शैक्षिक स्तर में बदलाव और सुधार लाया जा सकता है। मैं वर्ष 2014 में मध्य विद्यालय शाहपुर में गणित एवं विज्ञान शिक्षिका के पद पर योगदान दी। मैंने जब देखा कि बच्चे कुछ टॉपिक्स को समझने में उन्हें कुछ परेशानी होती थी, कुछ कठिन टॉपिक्स ऐसे थे जिसे बच्चे ठीक तरह से समझ नहीं पाते थे, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें अच्छे से वो बात समझ में नहीं आती थी। जब भी उन्हें इस तरह के टॉपिक्स को याद करके लाने दिया जाता था या बनाने के लिए दिया जाता था तो बच्चे उसमें रुचि नहीं दिखाते थे, वे उन्हें कठिन समझ कर उसे छोड़ देते थे या उसे दूरी बना लेते थे। अक्सर ये देखती थी कि जब भी उसे ये करके लाने देती थी तो कुछ बच्चे उनमें से अनुपस्थित हो जाते थे। जो आते भी तो वो कोशिश तो करते थे लेकिन बीच बीच में भूल भी जाते थे, यानी वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। फिर मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट मैपिंग के ज़रिए उन टॉपिक्स को समझाना शुरू किया तो इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव मुझे देखने को मिला। कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए जब उन्हीं टॉपिक्स को लेखा चित्र के माध्यम से मैं बच्चों को बताने लगी तो बच्चे काफ़ी उसमें रुचि दिखाने लगे, उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से बात समझ में आने लगी। लेखा चित्र के द्वारा जब वे खुद से बना करके उस चीज़ को समझने लगे तो उन्हें ये सारे टॉपिक्स आसान भी लगने लगे थे। मैंने देखा कि उनमें काफ़ी बदलाव आने लगा था और सकारात्मक बदलाव था। अब बच्चे अनुपस्थित भी कम होने लगे थे। एक फायदा ये भी हो रहा था इसका कि छोटे से कोई भी बड़े से बड़े टॉपिक्स को छोटा करके एक साथ दिमाग में याद रखा जा सकता था और इसे न बच्चे सिर्फ जल्दी याद कर रहे थे बल्कि इसे लंबे समय तक याद रख पा रहे थे। तो ये सब संभव हो पाया ZIIEI की ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि इस ट्रेनिंग ने हमें एक शिक्षक को सही मायने में शिक्षक होने के दायित्व को सिखाया और हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाया। तो इसलिए हम श्री अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देते हैं।
नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा, प्राथमिक विद्यालय भोजपुर गढ़ी की प्रधानाध्यापिका। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार जिससे मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, उस नवाचार का नाम था पासवर्ड बताओ एंट्री पाओ। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि किसी प्रकार का कक्षा में पासवर्ड रखा गया है जिससे बोल करके बच्चों को एंट्री मिलती है, क्लास में एंट्री मिलती है। तो जब मेरा विद्यालय 2015 में इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट हुआ तो उस समय मुझे खुशी बहुत थी कि मेरा विद्यालय सेलेक्ट हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, वो भी जनपद का पहला विद्यालय था। परंतु उसके साथ ही मुझे एक और चुनौती का सामना करना था कि अब उनकी मैथ और EVS की बुक भी इंग्लिश में आने वाली थी, तो बच्चों के लिए उन स्पेलिंग्स को याद करना कठिन था। तो हम सब ने, टीचरों ने मिलकर के कई एक्टिविटीज़ कराई जिसमें से ये पासवर्ड बताओ और एंट्री पाओ एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा कारगर रही। और इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से इंग्लिश की स्पेलिंग्स, मैथ की स्पेलिंग्स, EVS की स्पेलिंग्स को याद किया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये एक्टिविटी हमने कराई कैसे। तो इसके लिए हर कक्षा के स्तर के अनुसार हमने उनके पासवर्ड रखे, क्लास वन को, क्लास टू, सब क्लासेस के अनुसार। पहले हमने ऐसे पासवर्ड रखे जो बहुत ईजी थे, उनके रोज जिनकी स्पेलिंग्स लगभग उनको आती थी, जैसे संडे मंडे की, मंथ्स ऑफ द मंथ्स के नेम आदि। उसके बाद इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि क्लास में जब बच्चा क्लास के बाहर जाए, चाहे वो पानी पीने के लिए जाए या वॉशरूम के लिए जाए, तो क्लास से निकलते समय भी उसको पासवर्ड बताना है और क्लास में वापस आते समय भी वो पासवर्ड बताना है। और ऐसा तो था नहीं कि क्लास में बच्चा एक बार भी ऐसे बाहर ना जाए। तो एक्चुअली इस एक्टिविटी को कराने से बच्चों का एक तो बाहर जाना कम हुआ और हर तरह के बच्चों ने वो पासवर्ड याद करना कंपल्सरी हो गया उनके लिए, तो वो पासवर्ड याद करना शुरू कर दिया। क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी होती थी कि जब वो बच्चा क्लास के बाहर जाए और क्लास में वापस एंटर करे तो उससे वो पासवर्ड पूछे। शुरू में ये पासवर्ड हम लोग दो दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए पासवर्ड रखते थे और दो दिन के लिए पासवर्ड या तो दरवाजे पे लिख देते थे या बोर्ड के बगल में लिख देते थे, स्लिप पे लगा के चिपका देते थे। दो दिन के बाद वो पासवर्ड वहाँ से हटा दिया जाता था और बच्चों को फिर भी स्पेलिंग याद करके ही सुनानी होती थी। एक और भी इसमें पासवर्ड में ट्विस्ट था कि जब हमारा कोई भी टीचर पहली बार किसी क्लासरूम में जाएगा तो टीचर को भी वो पासवर्ड मॉनिटर को बताना होगा, ताकि वो मॉनिटर को भी चेक कर सके कि उसको ठीक से याद है या नहीं, क्योंकि टीचर कई बार गलत स्पेलिंग बोलते थे, तो इस तरह से मॉनिटर को भी चेक करते हैं। तो बच्चों को, हमें ये लाभ मिला कि बच्चे क्लास से बाहर कम जाने लगे, आपस में उनकी सहयोग की भावना बढ़ी कि एक दूसरे को पासवर्ड बताते थे, याद कराते थे, और साथ ही बच्चों कम पढ़ने वाले, रुचि लेते थे पढ़ने में बच्चे, उनको भी इस एक्टिविटी से पढ़ाई में रुचि आई, क्योंकि उनको भी पासवर्ड याद करके ही क्लास के बाहर जाना होता था। तो बच्चों में धीरे धीरे सहयोग के साथ साथ पासवर्ड याद करने की कैपेसिटी बढ़ी। और धीरे जब, चूँकि मेरे यहाँ ये 2015 से हो रहा था, तो समय के साथ लास्ट ईयर हम लोगों ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया और इसमें हमने इन पासवर्ड और आउट पासवर्ड दोनों अलग कर दिए। और जब बच्चे इस एक्टिविटी के हैबिचुअल हो गए, उनको पसंद आने लगी, तब हम उनके पाठ्यक्रम पे इस एक्टिविटी को ले आए थे, उनके पाठ्यक्रम से जोड़ दिया था, उसकी स्पेलिंग्स को उनको देने लगे थे याद करने के लिए। फिर स्टेट कैपिटल्स, जैसे अब हमने बच्चों को दे दिया कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर की स्पेलिंग याद करनी है, एक इन पासवर्ड एक आउट पासवर्ड, बाहर जाते समय दूसरी, अंदर आते समय दूसरी स्पेलिंग उनको बतानी है। तो इस प्रकार से मुझे इसका बहुत लाभ हुआ। और 2016 में एक US की टीम स्टर की मेरे स्कूल भ्रमण करने के लिए आई थी, वहाँ उस समय बच्चों ने उनसे भी इसी तरह से पासवर्ड पूछा था और बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पुट किए, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी। मेरे यहाँ मेनली एक्टिविटी बेस पे ही पढ़ाई होती है, तो उनको वो एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने मेरे स्कूल को अपनी पत्रिका में केस स्टडी के रूप में शामिल किया और ये एक्टिविटी के साथ उनकी पत्रिका में वो सम्मिलित की गई। मुझे खुशी है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं एक दूसरे से, अरविंदो सोसाइटी ने और HDFC बैंक ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां आप अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और शेयर करके नए नए आइडियाज़ का एक बंच तैयार कर सकते हैं, गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं और उससे अपने बच्चों को पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं। आज मैं जिस प्रकार से इन्होंने अपने नवाचारी शिक्षकों को एक अवसर दिया है कि वो अपने ऑनलाइन अवसर दिया है कि अपने अनुभवों को आपसे साझा कर सकें, तो इस तरह से मुझे पूरी आशा है कि हम सब मिल करके, शिक्षक मिल करके, क्योंकि शिक्षक ही नवाचार करता है और शिक्षक नवाचार का एक स्रोत है, तो हम सब मिल करके शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक ऊँचा ले जाएंगे और अधिक आगे बढ़ाएंगे। और
मैं बार बार ZIAE और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक मंच दिया है जिससे हम अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। आपसे इस प्रकार से और भी नवाचार ZIAE के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ उसको आप लाइक सब्सक्राइब करिए और उनके नवाचारों से और अधिक लाभान्वित होइए। तो जिस प्रकार से मुझे बहुत अच्छा लगा अपने नवाचार को आपसे साझा करके, ऐसे ही आप भी अपने नवाचारों को वहाँ पर साझा करिए और वहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु भसीन है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित कैलाशवती इंटर कॉलेज में 2007 से कार्यरत हूँ। मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। मुझे ZIAE यानी शिक्षा में शून्य निवेश कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम है SSC यानी सब्जेक्ट सर्विस सेंटर। मैंने इस नवाचार को अपने स्कूल में अपनी कक्षाओं में इसलिए लागू किया क्योंकि मेरे विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में 100 से ज़्यादा यानी 100, 120, 140 तक बच्चे हैं, तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे की समस्या का समाधान करना इजी नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने अपना नवाचार यानी SSC लागू किया जिसमें मैं बच्चों के ग्रुप्स बना देती हूँ, जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उन बच्चों के ग्रुप्स बना देती हूँ। मेरे सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है और मान लीजिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं भी हूँ, तब भी वो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान इंस्टेंट पा सकता है। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट टॉपिक्स जैसे प्रोज, पोइट्री, ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। इस नवाचार को लागू करने के बाद से बच्चों के मार्क्स में बहुत अधिक वृद्धि हुई और अगर बच्चे की कोई समस्या है भी तो वो इन सब्जेक्ट सर्विस सेंटर्स के पास जाकर अपनी समस्या का इंस्टेंट समाधान पा सकता है। जो बच्चे ग्रुप्स में शामिल थे उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत अधिक वृद्धि हुई और लीडरशिप स्किल्स भी उनकी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। मैं इस नवाचार को अपने विद्यालय में पिछले एक साल से लागू कर रही हूँ। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें अपने नवाचार को दूसरे टीचर के साथ शेयर करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया और हम शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से बहुत अधिक सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं। ZIAE के इन्हीं नवाचारों को और अधिक सुनने के लिए और अधिक उनसे नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप ZIAE के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रखे जाते हैं, जैसे आप 1, 2, 3 भी रख सकते हैं।
या बच्चों को कोई भी फलों का नाम रख सकते हैं। आम अगर इधर स्टीम में है तो स्टीम में भी आम होगा। अब शिक्षक या कोई बड़ा बच्चा एक ही नाम को पुकारेगा, जैसे कहेगा एक, तो इस स्टीम से और उस टीम से दोनों का एक दौड़ता हुआ आएगा और स्टिक को उठाएगा, उसके बाद झपट कर उठाने के बाद दौड़ेगा। जो बच्चा, जिस टीम का बच्चा पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा और जिस टीम का बच्चा बाद में पहुंचेगा उसका स्कोर जीरो हो जाएगा। इस तरह हम अपने बच्चों के स्कोर बोर्ड को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं या किसी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। और जो टीम हार जाएगी उस टीम के बच्चों को जो होमवर्क दिया जाएगा, कोई सी भी चीज़ दी जाएगी कि आप इसको याद करके कल आएंगे। इससे बच्चों में रुचि भी पैदा होगी शिक्षा के प्रति, सीखने का भी उनको अवसर प्राप्त होगा और सबसे अच्छी चीज़ ये कि बच्चे उसको एक रुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगे। खेल खेल में शिक्षा खेलेंगे भी और उसको सीख भी देंगे। तो ये हमने अपना नवाचार ZIIEI में प्रस्तुत किया था और मुझे बहुत खुशी है कि श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक के द्वारा हम लोगों को, सभी शिक्षकों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त हुआ और हम सब ने अपने अपने नवाचार को एक दूसरे से साझा किया। आगे भी हम ये आशा करते हैं कि श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक के ओर से हम सब शिक्षकों को ये अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनिल तिवारी है और मैं प्राथमिक विद्यालय परापातर जनपद महोबा से हूँ और मुझे नवाचार के क्षेत्र में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और मेरे नवाचार का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीकी। अभिनव शिक्षण तकनीकी के अप्लाई करने के पीछे वजह ये थी कि बच्चे का जो लर्निंग आउटकम था वो ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह पाता था, क्योंकि बच्चों का जो ज्ञान था वो हमारे वास्तविक जीवन से नहीं जुड़ पाता था। तो ये नवाचार के अप्लाई करने पर हमें इन समस्याओं पर कंट्रोल करने में मदद मिली और मैं ये नवाचार नवंबर 2015 से अपने स्कूल में अप्लाई कर रहा हूँ और इस नवाचार से हमें ये लाभ मिला कि बच्चे अब हमारे स्कूल जो छोड़कर के लंच में चले जाते थे वो नहीं हो पाते हैं। बच्चों को हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चों की कक्षा शिक्षण की जो पहला स्टेप है वो बच्चों को योगा द्वारा कराते हैं। योगा से क्या होता है, कंसंट्रेशन इससे क्लियर हो जाता है उनका और जो पहले विषय में जो उन्होंने मान लीजिए हिंदी का विषय का हमारा क्लास अब समाप्त हुआ था और हमारा अंग्रेजी का आया है तो हम उनको जो योगा है या कोई गतिविधि है वो अपने थीम के आधारित उनको कराते हैं। इससे लाभ ये होता है कि बच्चे हमारी तरफ हमारे विषय से जुड़ जाते हैं और हमारे विषय को आसानी से समझने लगते हैं। और बैठक व्यवस्था हमने कक्षा शिक्षण में इस प्रकार से की थी कि टॉपिक के अनुसार, जैसे अगर मान लीजिए सर्किल पढ़ाना है तो वृत्त में बैठा दिया, स्क्वायर पढ़ाना है तो मान लीजिए स्क्वायर आकार में बच्चों को बैठा दिया, या फिर मान लीजिए विलोम शब्द पढ़ाना है तो बच्चों को हमने क्या किया, एक दूसरे के चेहरे की मुँह करके बच्चों को बैठा दिया। मुझे खुशी है कि अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने हमारे नवाचार को सभी अध्यापकों तक पहुँचाने में हमारी मदद की है और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊंचा ले जाएंगे। और हमारे अन्य नवाचार को जानने के लिए ZIIEI का यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।